दोस्तों सबसे पहले आपको पेटीएम पर जाना है। पेटीएम पर जाने के बाद आपको नीचे जाना है, रिचार्ज एंड पे बिल पेमेंट पर जाना है। और अगर आपको इसमें नहीं मिल रहा है तो व्यू मोर पे जाएंगे, यहाँ पे आपको सर्च करना है लोन पे लोन। अब यहाँ पे नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ये हाथ बना हुआ, ये पे लोन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको ऐड न्यू पे करना है, जहाँ ये प्लस का आइकन है। उसके बाद यहाँ पे आपको IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड है सेकंड नंबर पे, इस पर जाना है। उसके बाद आपको पहला ऑप्शन EMI वाला क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको लोन नंबर मांगा है, ये लोन नंबर आपको देना है, वही लोन नंबर देना है जो आपको हर वक्त मैसेज आता है कंपनी की तरफ से आपको EMI का, तो उसमें लोन नंबर भी मैंशन होता है, तो वो लोन नंबर आपको इसमें एंटर करना है। उसके बाद प्रोसीड करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा और यहाँ पे अमाउंट, अगर आपका कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जैसे कि कोई EMI पेंडिंग या बाउंस आ जाए तो यहाँ पे शो करेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे जीरो शो करेगा। लेकिन आप यदि एडवांस में पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कोई भी अमाउंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको पेमेंट करनी है या जो आपकी EMI एडवांस में पेमेंट करनी है उसे आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करके आपको अपनी पेमेंट UPI या जैसे भी आपके पास वॉलेट है या ATM कार्ड है, किसी भी तरीके से आप उसको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।